अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हाँ जी, असा जो एप्लीकेशन लेटर रिसीविंग पे उठाए हाँ, तो मैं सिर्फ अज कला नहीं नाल मेरे बिलावर सलीम भी जिन्हों का वॉइस ओवर तुम सुना है, उन्होंने तुम मुलाकात करा दें। एक मिनट सॉरी ऐड चली थी दरम्यान, अभी उन्होंने तुम्हारी मुलाकात करा दें। बिलावर भी क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह, तू सारे सोगी हैं वे खैर मेरे से करो मैं पर की और जला कम मेरा पसर और जी अलग काम जी बड़ा जबरदस्त जोरां ते शोरां ते ते सारे ऑडियंस रिसेप्शन के भी उन्ना हुए काम की में लगते बहुत अच्छा लगे सर का लगा कर। थैंक यू सो मच जी। जो कुछ भी मेरे को था इज्जत मिली, रिस्पेक्ट मिली, मेरे वर्क पर मिली है। एक लड़का जरा जश्न बहारा मेला दे विच कैमरा चाक तस्वीर बनाता तो वीडियो बनाता होता है, उस इंतजामी नज़र आता है तो अपने ऑफिस इनवाइट कर दें। जितने प्रोजेक्ट बाद ऐसा ऐसा मिलते गए मेरे कंटेंट के पर मिले जब वो टास्क या असाइनमेंट पूरी हो जाती है तो बहुत कम ये रिवाज अब रह गया है कि उनको अप्रिशिएट भी किया जाए। वजह ये है कि मेरा टोटल स्टाइल ऑफ गवर्नेंस जो है वो इनफॉर्मल है। आई बिलीव इन इनफॉर्मल मोड ऑफ एक्शन। आरिफ समी, आप लोग आ गए, लइया दा वासी, आप आगे आ जाएं। आपके दो सर्टिफिकेट हैं और ये सर। क्लैपिंग आरिफ के लिए, ये वॉलंटियर है, इनका सर्विसेज दी है। हम्बलनेस इंसान होने से आज भी दामन कहीं ना छुड़ाए, चाहे तुम जिस लेवल तक पहुँच वो अगर तक लोग इज्जत देने पैन तो उसको हजम करना भी बंदे को आना चाहिए। तो अलहमदुल्ला जितने दोस्त मिलते हैं जितना मिलते हैं मैं कोशिश कर रहा को रिस्पेक्ट दे सके इज्जत नाल मिलना। माजिद रंधावा जो है जी ना मैं साइन करूंगा भी ऐसे सर्टिफिकेट जिनको दोस्तों को नहीं मिले वो सर्टिफिकेट। हाँ जी, तो लास्ट वीक जो बेई मेरे रूटीन रह गए माजिद रंधावा बेन तो उर्दू पॉइंट वाले उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनानी इस हिसाब के वालिद साहब की, तो कुछ टाइम मैं उन्होंने गुजारा है। जैसे माजिद भाई लाया होता से असिस्टेंट कमिश्नर मुगल साहब को, तो माजिद भी इंटरव्यू भी लाया होता है सर माजिद भी। डॉक्यूमेंट्री बनाते हुए माजिद रंधावा साहब उन्होंने वालिद साहब नाल कश्मीर पार्क आए हुए हैं, इतना एक शॉट गिनना आई। मैं लइया दा वासी आरिफ समी भाई का बहुत शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने अज की जी डॉक्यूमेंट्री मेरी बनानी है, उन्होंने मेरी बड़ी मेहनत की है। मैं तो आप मेरे उस्ताद साहब भी हैं क्योंकि यूट्यूब के हवाले के नाल मेरे को बड़ी मोटिवेट किया, बहुत ज़्यादा डिसेंदे भी हैं। शुक्रिया आरिफ भाई। वेलकम जनाब, अल्लाह पाक सलाम रखे जनाब। आखिर तो मैं यो आख सके जेरे लोग मेरे नाल शुरू तो जुड़े रहन, खासकर वो लोग जेरे मेरी लाइफ नाल क्लोज हैं पे मेरे रिलेटिव मेरे फ्रेंड, उन्हें को मेरे सफ़र का पता है कि मैं अपनी ज़िंदगी का जवाल एक अखीर लेवल तक डिठा है, मतलब खलास बाय बाय टाटा ख़त्म जीरो तो तले, तो उस तो बाद मैं जिंदगी दोबारा उठा तो पिछे मैं पिछा मुड़ के नहीं डिठा। तुसा लोगों की सपोर्ट दुआवें इन पे, इंशाल्लाह बहुत जल्द कहीं नवी वीडियो मिल सो, अपने ख्याल रखे सो, अल्लाह सोने दे मान।